Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Academy पे follow कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं हितेश सर फिर से आपके साथ हूं. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग करने वाले हैं क्या, कोडिंग डिकोडिंग. और कोडिंग डिकोडिंग को इसलिए मैंने रखा क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा कि आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना भी जरूरी है, और अगर आप सीख लेंगे तो आपको बेहतर होगा. ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है, हम प्रॉपर दिख रहे हैं, और उसके बाद जो है क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दें कि यस सर, सब सही है, आप दिख रहे हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है, है ना? क्या बात है, स्वागत है सभी लोगों का, स्वागत है. थम्स अप करो जल्दी से, सब रेडी है, करें स्टार्ट. कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. गुड मॉर्निंग. चलिए तो आपके लिए पहला क्वेश्चन लगवाते हैं. ठीक है, ओके सर, पहला क्वेश्चन लगाइए जिसमें ऑप्शन है एच सी एल आर. हम ठीक हैं? हाँ. और आप लोगों को छठ पूजा समापन हो गया, उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक मनाया होगा उसको. हमने यहाँ से प्रणाम किया क्योंकि हम जा नहीं पाए, लेकिन जिन बच्चों ने मनाया, जो भाई बहनों ने मनाया, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप इस पावन महापर्व से बाहर निकले और आगे आपके जिंदगी में समृद्धि हो, आप आगे बढ़े, सारा चीज आपको अच्छा मिले, यही हमारी मनोकामना है. चलिए ध्यान से देखिए डियर, क्या होगा आंसर. चलिए तो यहां पर, अच्छा आज चिल्ड्रन डे है तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे, है ना, आप सभी को बाल दिवस की बधाई. चॉकलेट यहीं से हम देते हैं, आप खाइए, इमरती, रसगुल्ला और डेयरी मिल्क, पर्क, सारा चीज. यहां पर अगर आंसर देखें कैसे हुआ है, ध्यान से देखना. एक्चुअली पता नहीं इस पे लगता है कोलिन मार दिया गया है इसलिए चल नहीं रहा है अच्छे से, तो परेशान मत होना, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं. यहां पर लिखा गया लूज, इसको क्या लिखा जा रहा है, एम क्यू वी आई. तो ध्यान दो, ये एल एम हो गया, ये ओ पी क्यू हो गया, ये प्लस वन है, ये प्लस टू है, फिर यहां से एस टी टी यू वी प्लस थ्री, और यहां से अगर हम देखें तो एफ जी एच आई प्लस फोर. ठीक है,
तो हमें अगर हम देखें पूछा गया गेन के बारे में, जी ए आई एन के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देने वाली बात है कि जी के बाद एच से शुरू होगा, ए के बाद बी छोड़ के सी होगा। एच सी किस में है? तो सब में है, मतलब पहला तीसरा दूसरा सब में। अब आगे आई के बाद जे के एल होगा और एन के बाद ओ पी क्यू आर होगा, तो एच सी एल आर विल बी राइट आंसर फॉर अस। एच सी एल आर आपका राइट आंसर होगा, तो आपका जो आंसर है एच सी एल आर के साथ चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न में चलें फिर। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट? तो अगला प्रश्न लगाइए सर, ऑप्शन है भी डी ई क्यू एल। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर आप देखें और बताएं आपको क्या लग रहा है। ध्यान से आंसर करिएगा। और जो भी पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम में बहुत फायदा करेगा आपको, इसलिए ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? बी लग रहा है। बहुत बढ़िया, कैसे होगा देखते हैं। सी एल ई आर के, इसको क्या लिखा जा रहा है? ई ओ आई डब्ल्यू क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं? सी के बाद डी प्लस टू, एल के बाद एम एन ओ प्लस थ्री, ई के बाद एफ जी एच आई प्लस फोर, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू प्लस फाइव, के बाद एल एम एन ओ पी क्यू प्लस सिक्स। तो सेम टू सेम हम करेंगे किस में? टेबल में, टी ए बी एल ई, टी के बाद यू भी, भी से स्टार्टिंग होगा, भी से स्टार्टिंग सब है और भी के बाद डी भी सब में है, तो इसको चेक ही मत करो। आगे देखो सी डी ई एफ भी डी एफ। अब भी डी एफ जो है वो किस में है? तो दो में और चार में। अब आगे देखो क्या होगा, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, तो यहां पर हम देख रहे हैं Q जो है वो दूसरे वाले में ही है, दैट इज वाई आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो चला जाएगा भी डी एफ क्यू के के साथ, ऑप्शन टू के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े फिर। चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं और उसका आंसर आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। सी टी बी के ओ, ये वाला सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर आप देखें डियर फ्रेंड्स आपको क्या लग रहा है। जस्ट डू इट, बहुत बढ़िया। और थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि सबको फायदा हो। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? ध्यान से देखिए और बताइए। ये जो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं ये एएलपी सीबीटी 2 प्लस आरपीएफ, ये दोनों के लिए है ना, एएलपी सीबीटी 2 प्लस आरपीएफ, ये दोनों के लिए क्लास है। चलिए तो इसका आंसर जो है पहला बोल रहे हैं बच्चे, देख लेते हैं कैसे होगा। स्टाम्प एस टी ए एम पी, इसको क्या लिखा जा रहा है? टी भी बी ओ क्यू, एस के बाद टी हो गया, टी के बाद यू भी हो गया, ए के बाद बी हो गया, ये प्लस वन, ये प्लस टू, ये प्लस वन, ये प्लस टू और ये फिर प्लस वन। तो सेम टू सेम हम करेंगे ब्रेन के साथ, बी आर ए आई एन है ना,
तो यहां पर हम देख रहे हैं बी के बाद सी, आर के बाद एस छोड़ के टी, ए के बाद बी, आई के बाद जे छोड़ के एन के बाद ओ, तो सी टी बी के ओ इट इज गिवन इन ऑप्शन वन। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वन के साथ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगले प्रश्न में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वीक वाला सर, वीक और यू ए वाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर आप बताएं आपको क्या लग रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने लग चुका है, चार। अच्छा देख लेते हैं चार है कि नहीं, ध्यान से देखते हैं इसको। अगर हम ध्यान दें यहां पर तो लिखा गया वीक, W E A K, इसको क्या लिखा जा रहा है U A Y G, तो हम क्या देख रहे हैं U V W, नीचे से प्लस टू, A के बाद B C D E प्लस फोर, यहां से Y Z A प्लस टू, यहां के बाद J या क्या दे चाहिए J K प्लस फोर। तो सेम टू सेम हम करेंगे यहां पे, है ना, सेम टू सेम जैसे बोल्ड के लिए करेंगे बी ओ एल डी के लिए। तो हम अगर यहां पर रखते हैं जेड, तो जेड से ए प्लस ए बी हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम रखते हैं के एल एम एन ओ प्लस फोर हो गया, फिर यहां पर अगर हम रखते हैं जेड के बाद जे, जे के बाद के छोड़ के एल हो गया, और जेड के जे तो हो ही गया है, आगे क्या हो जाना चाहिए इसमें जेड के जे तो हो ही गया, फिर से अब Z हो जाएगा अगर, तो A B C D प्लस फोर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है Z K J J, ये आपका आंसर हो जाएगा Z K J Z, है ना। सो योर राइट आंसर विल गो विथ ऑप्शन नंबर फोर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, फिर कैलेंडर भी करवा देंगे आपको, जो डिमांड है वो सारा पूरा हो जाएगा, परेशान मत रहिए, है ना। यही सब डिमांड के लिए हमारा प्लस कोर्स है कि आपको पर्सनल इंटेंशन चाहिए, डाउट सेशन चाहिए, आपको वन टू वन इंटरेक्शन चाहिए, तो आप देख सकते हैं हमारे मतलब प्लस कोर्स पे आपको बहुत ही फायदा वहां से हो सकता है, पीडीएफ मिलना, टेस्ट मिलना, उसके सॉल्यूशंस करना, प्राइवेट ग्रुप बनना, तो आप उस चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट भी वहां पर हम ले पाएंगे ज्यादा, यहाँ 3000 बच्चों में कमेंट थोड़ा सा दिक्कत होता है, पढ़ाएंगे ना यहाँ पे ज्यादा, है ना। चलिए, और YouTube पे जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो CBT-2 और RPF जिसका भी आपको प्लस कोर्स देखना है आप देख सकते हैं दिए गए लिंक से नीचे। ओके, यहां पर अगर हम देखें अगला जो प्रश्न है उसको कैसे करेंगे, हाँ ये वाला सर, यदि भरवल को एस बी एन एक्स भी जे जी लिखा जा रहा है तो फिगर को क्या लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, इसका आंसर आप बताएं आपको क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, जस्ट डू इट। चलिए आराम से आंसर करिएगा, इसका हड़बड़ाना नहीं है।
जोहार जोहार। यहां पर जो है बच्चे कह रहे हैं तीन और दो, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हो सकता है। फोर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, वर्बल VERBAL, इसको क्या लिख रहा है भाई, SBNXVRG, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, किसके बारे में, तो पूछा जा रहा है फिगर के बारे में, फिगर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान देने वाली बात है, देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखो S के बाद TUB, तीन का गैप है, माइनस मतलब इधर से प्लस थ्री, यहां से अगर हम देखें CDE, ये भी प्लस थ्री है ना। सेम टू सेम अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो C से अगर देखें तो DEF प्लस थ्री, C के बाद हमारा F आएगा कि क्या आएगा, F यहां पर अगर आएगा तो GHI है ना, प्लस थ्री हो जाएगा। और आगे अगर हम देखें यहां पर जो बोला जा रहा है क्या लीजिएगा, फिर सी अगर हम फिर से लेते हैं तो आप देख पा रहे हो DEFG है ना, तो ये प्लस फोर हो गया क्योंकि यहां पर भी ये प्लस फोर है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहां पर क्यू के बाद आर, क्यू के बाद RSTU, तो क्यू यहां पर हो गया, CF CQ, ये है सिर्फ और सिर्फ चौथे वाले में है ना, तो आपका आंसर यहां पर चौथे वाले के साथ चला जाएगा, CF CQ M और Z, तो आपका राइट आंसर यहां पर ये हो गया। क्लियर है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ें, यस ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगले प्रश्न में चलते हैं फिर और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग सही करेंगे। लगाइए सर, क्वेश्चन को लिख रहे हैं NXB VQ LL Q, तो पूछा जा रहा है रिप्लाई को क्या लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप देखें और बताएं आपको क्या लग रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें वन होगा OH MOV, अच्छा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, QSTION, तो यहां पर इसको लिखा क्या गया, N लिखा गया XBV QLL और Q, यहां पर देखो ध्यान से N के बाद OPQ प्लस थ्री, X के बाद YZ, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, माइनस करें क्या, VWX, तो इधर से प्लस थ्री, B के बाद CDE, इधर से प्लस थ्री, इसमें अगर हम देखें TUV, इधर से प्लस थ्री, मतलब नीचे से प्लस थ्री ऊपर से प्लस थ्री, इसी तरह से चल रहा है। अगर हम बात करें आगे रिप्लाई का तो हम कैसे करेंगे, रिप्लाई का अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, ओ से स्टार्टिंग होगा तो PQR, ठीक है भाई, अगर ई से FGH, ओ के बाद यहां पर क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, ओ के बाद H देखो तो पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है। आगे देखो फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, NOP, मतलब M होना चाहिए यहां पे, और L के बाद O, M, M N O, O H O,
ठीक है, OHMO, अब लास्ट में क्या होगा, भी के बाद WXY, तो भी यहां हो जाएगा, तो आपका आंसर OHMO भी राइट आंसर हो जाना चाहिए, OHMO भी, तो आपका जो सही आंसर है डियर फ्रेंड्स वो इसके साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बुक को CNPG लिख रहे हैं तो मून को क्या लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने डियर, जस्ट डू इट। वन इज द राइट आंसर। तुम लोग मतलब वीडियो शेयर नहीं करते हो लगता है, इसलिए इतने कम बच्चे हैं, है ना, और आज बाल दिवस है, आप लोगों को ज्यादा आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। यहां लिखा गया बुक BOOK, यहां है CNPJ, आप क्या देख रहे हैं BCNOOPJK, सेम टू सेम अगर हम करें मून, तो यहां पर MN, यहां पर क्या हो जाएगा NO, फिर OP और MN, तो NNPM आपका राइट आंसर होना चाहिए, और ये दिया हुआ है 3 में, तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स 3 के साथ चला जाएगा। बेहद आसान ये प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में ले चलते हैं, मॉन्यूमेंट को लिखा जा रहा है ONPTODDS, तो पूछा जा रहा है कि बताइए बियर को क्या लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट डू इट। अरे तुम लोगों को चाय नहीं पिलाएंगे बाबू, तुम लोगों को जो है ना मिठाई खिलाएंगे, चाय का है परेशान है तुम लोग, चाय पानी वाला चाय। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, थ्री देखते हैं। यहां पर क्या है मॉन्यूमेंट, MONUMENT, तो हम क्या करेंगे ONPTODPS, MNO है ना, यहां पर क्या देख रहे हो प्लस टू है, NO प्लस वन है, NOP प्लस टू है, TU प्लस वन है, MNO प्लस टू है, DE प्लस वन है, NOP प्लस टू है, ST प्लस वन है। सेम टू सेम अगर हम देखें बियर, BER, क्या करना होगा, B के बाद C छोड़ के D, फिर यहां पर अगर हम देखें तो भी D, इधर से प्लस टू और इधर से प्लस वन, फिर से प्लस टू, बी के बाद सी और यहां पर क्यू, है ना, तो DCQ आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है डियर, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अगले प्रश्न में चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, लगाइए सर ऑप्शन है OLUC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप देखिए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है।
बेहतरीन जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जस्ट डू इट। क्या बात है, चलिए इसका आंसर बच्चे कह रहे हैं 4 होना चाहिए, है ना। जैसे बैड में बी का अपोजिट वाई है, ए का अपोजिट जेड है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, उसी प्रकार सेम में एस का अपोजिट एच है, ए का अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है, ई का अपोजिट वी है। तो लव का पूछा गया, तो अगर हम देखें लव एल ओ वी ई, तो लव का आप कैसे करेंगे, यहां पर एल का ओ, ओ का एल, वी का ई, ई का वी, ओ एल ई वी आपका आंसर हो गया एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन 4। तो आपका आंसर यहां पर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न लगाते हैं लिमिट वाला सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है डियर फ्रेंड्स, जस्ट डू इट। बहुत बढ़िया, टू स्टूडेंट्स कह रहे हैं 2 होना चाहिए, देख लेते हैं 2 है कि नहीं। अपोजिट इसमें भी है, लिमिट एल आई एम आई टी, है ना, एल का उल्टा ओ, आई का आर, एम का एन, आई का आर, टी का जी। तो आपका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स, ओ आर एन आर जी, ओ आर एन आर जी, तो 2 आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। मेयर वाला सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है डियर, इसका आंसर आप देखें और बताएं आपको क्या लग रहा है। ध्यान से आंसर कीजिएगा इसका क्या होगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं। देखो एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत आगे ले जाएगा, भरोसा रखिए आपको परेशानी नहीं होगी, भरोसा रखना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर हम देखें मेयर, ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, एन डबल बी पी एस। पहले ध्यान दीजिए, एम से एन हो गया, ए से बी हो गया, ओ से पी हो गया, आर से एस हो गया, लेकिन ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये क्या एक दूसरे का अपोजिट है। सेम टू सेम सुप्रीम, एस यू पी आर ई एम ई, इसको क्या लिखा जा रहा है, टी वी क्यू आई एफ एन एफ। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये S के बाद T हो गया, U के बाद V हो गया, P के बाद Q हो गया,
E के बाद F हो गया, M के बाद N हो गया, E के बाद F हो गया। ये जो है आपका IR एक दूसरे का अपोजिट है। सेम टू सेम अगर हम हाउस के लिए देखें H O U S E यही है ना हाउस का, तो H के बाद I हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा, S के बाद H हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा। U जो है वो F का उल्टा होता है, तो आई एफ आई पी एफ एच एफ आई पी और एफ एच एफ। इसमें कहीं तो दिख नहीं रहा हमको। अच्छा एस के बाद एच नहीं होगा, सॉरी टी हो जाएगा, आई पी एफ टी एफ आई पी एफ टी एफ। और ये किसमें है? दूसरे में। तो आपका जो आंसर है दूसरे के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ रही है, क्योंकि एस का उल्टा मैंने लिख दिया था, उल्टा नहीं होके एक आगे बढ़ेगा। क्लियर है बाबू? अच्छा क्वेश्चन था ना, एक बार थम्स अप करो कि समझ में आ रहा है सर सब कुछ, जल्दी से थम्स अप करो एक बार, जल्दी से थम्स अप करो। तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, देखो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, है ना। चीजें क्लियर हैं? और कल मैंने बहुत कमेंट पढ़ा, तो बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव कमेंट दोनों था कि सर गरीब बच्चों का क्या होगा, हम लोगों को आपने छोड़ दिया। देखो प्लस कोर्स ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और चाहते हैं कि हमको भीड़ से थोड़ा अलग होना है, बस उसके लिए फिल्टर है वो। सबके साथ हम थे हैं, आपका साथ कभी नहीं छूटा था, कभी नहीं छूटेगा, ठीक है, परेशान मत होइए आप। चलिए थम्स अप कर दिया आपने, ओके। तो यहां पर अगला प्रश्न आपके लिए लगाते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। ओरल को लिखा जा रहा है 3196, तो रिटेन को क्या लिखा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है डियर, इसका आंसर आप देखें और बताएं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप देखें कि क्या होगा। बेहतरीन जा रहे हैं आप लोग, क्या बात है। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें इसका आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आंसर करो फटाफट। और तुम लोग 3000 में रह रहे हो यार, इतने इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया, 5000 प्लस तो बनता है, 3000 में क्यों अटके हुए बताओ। चलो यहां देखते हैं ध्यान से, ओरल ओ आर ए एल, ओ का वैल्यू होता है कितना, ओ का होता है आपका 15, है ना, ओ का कितना होता है 15 होता है, और R का 18, A का 1 और इसका 13। इसको लिखा जा रहा है 3196, हुआ क्या, तो ध्यान दो इसका L का 13 नहीं होता, 12 होता, सॉरी। तो यहां पर दोनों जोड़ के ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर दोनों जोड़ के ये हो गया, फिर ये हो गया। तो सेम टू सेम रिटर्न की अगर हम बात करें, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, है ना, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले वैल्यू लिख लीजिए। ये होता है आपका रिटर्न, जो डब्ल्यू है वो होता है 23, ये 18, ये 9, ये 20, है ना, ये भी 20, ये 5 और ये 14, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 2 2 9 9 और 5, तो 5 5 2 2 9 9 5, तो ये किस में है 3 में। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 2 2 9 9 5, तो 3 आपका राइट आंसर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। चीजें समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं आपके लिए, नॉलेज बराबर 2565 वाला सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्कर आपका कहना सही है, पता नहीं इस पे आज कोलिन लगता है, लग गया ये
फिसल रहा है, ये चल ही नहीं पा रहा अच्छे से, आज के लिए माफी है, नाराज मत होइएगा, ठीक है। हम खुद ही इसके लिए शर्मिंदा है, थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, बार बार हम तीन तीन मार्कर लेके रखे हैं, देखो एक दो तो चल ही नहीं रहा, एक चल रहा है तो बहुत पतला चल रहा है। और ऐसे इतना भी खराब नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। देखो सबका वैल्यू रखना है पोजीशन, और जो जो दो डिजिट में है उसको जोड़ के एक डिजिट, जैसे देखो दो प्लस जीरो तो दो हो जाएगा, आठ और एक नौ हो जाएगा, तो वही चीज लिखा गया है। जो सिंगल डिजिट है उसको सिंगल में रखें, जो डबल डिजिट में है उसको जोड़ के डबल डिजिट में कर दिए, बस यही चीज है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका आंसर बताइए डियर, क्या लग रहा है आपको? फोर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, आपका राइट आंसर है, फोर इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए हैं नॉलेज वाला केस में क्या हुआ कि सबको जो है के का जैसे 11 तो 1 प्लस 1 2, एन का 14 तो 4 1 5, सेम टू सेम जनरल में करेंगे, सेम टू सेम जनरल में करेंगे, जी एन ई आर ए एल। तो देखो ये 7, ये 5, ये 14, ये 5, ये 18, ये 1, ये 12, ठीक है। इसको करोगे क्या, ये 7 है, ये 5 है, 4 1 5 है, ये भी 5 है, 8 1 9 है, ये 1 है, ये 3 है, तो 7555913 ये आपका राइट आंसर होगा, और ये चौथे में दिया हुआ है, आपका आंसर चौथा होगा। क्लियर है डियर? कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई परेशानी नहीं है ना इसमें। आगे जाएं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ या नहीं? तो नेक्स्ट लगाते हैं कि चेयर को अगर लिखा जा रहा है ई जी सी एच टी, तो सी टी एफ एच भी को क्या लिखेंगे उल्टा में? हाँ, तो सांकेतिक कोड इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? इस बार कोड दिया हुआ है तुमको वर्ड लेके आना है, इस बार कोड दिया हुआ है तुमको वर्ड लेके आना है, ये ध्यान देना, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड जनवरी में आ जाएगा भाई, जनवरी में आ जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो, एक दिन माइनेज करो, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, रोज थोड़ी ना होता है, एक भी दिन तुम लोग माइनेज नहीं करते हो, और इसके लिए हमने बोला क्षमा प्रार्थी हैं हम, नाराज मत होइए, आप लोगों को मतलब दुखी नहीं करना चाहते। चलिए जनरल नॉलेज जी एनालिसिस करेंगे हम लोग जिस दिन एग्जाम होगा, और शायद कल जो है छठ पूजा के अवसर पर हो सकता है एग्जाम नहीं था, आज अगर एग्जाम है तो प्रयास ये करेंगे कि इसका जो है आपको हम मतलब करवाएं, ठीक है। बिल्कुल नाराज मत होइए, परेशान मत होइए, टू बता रहे हैं बच्चे आंसर इसका, ऑडिट है ना, आप कह रहे हैं कि टू होना चाहिए। यहां पर अगर हम ध्यान दें बोला क्या जा रहा है कि चेयर सी एच ए आई आर, इसको क्या लिखा गया, तो इसको लिखा गया है ई सी ई जी ई जी सी एच टी, तो यहां पर हम देख रहे हैं सी डी ई जी एच ए बी सी एच आई और आर एस टी, मतलब प्लस टू हो रहा है इधर से, फिर इधर से प्लस वन हो रहा है, तो सेम टू सेम यहां पूछा गया है कि सी टी एफ एच भी किसके लिए होगा, तो आप क्या देख रहे हैं ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी सी प्लस टू हो गया, यहां पर टी यू, ठीक है, फिर यहां पर होना चाहिए डी, तभी तो डी एफ होगा, एच के बाद आई हो जाएगा और फिर टी यू भी हो जाएगा, तो ऑडिट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑडिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़े फिर, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट? सर ये क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन छोड़ के, इफ वॉटर इज कॉल्ड फूड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताएं डियर फ्रेंड्स क्या लग रहा है। चलिए बेहतरीन जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सिलॉक्स का एक और क्लास चलाइए, करवाएंगे। चलिए तो इसका आंसर 4 होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि फल आसमान ये आकाश क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देन वेयर इज द फ्रूट ग्रोन, तो यहां पर आप जानते हैं फल जो है वो वृक्ष में लगता है और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, वॉटर इज फूड, फूड इज ट्री। अच्छा बीगर इज लिखा गया है वहां पर, जो यहां पर बीगर लिखा हुआ इसका है वो ट्री है, एक्चुअली ट्री को स्काई कहा जा रहा है, ठीक है। आप जानते हैं ट्री पर लगेगा फल और आपका इसको कहा जा रहा आसमान, तो आपका आंसर आसमान के साथ चला गया, 4 के साथ चला गया। प्रश्न हटा दो सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गई। चलिए तो ये जो है आज का सेशन था, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी आपको, और जो भी बच्चों का जो डिमांड है कि ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए वो जरूर करवाएंगे, और आप बस पॉजिटिव रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ हम थे हैं और रहेंगे, बार बार बस इतना ही कहते हैं, बाकी सब चीजों पे आपका इच्छा है कि आप उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए जोश नए एनर्जी नई ताकत के साथ सुबह 10:15 पर, आप आइएगा जरूर, देखिएगा जरूर, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और ग्रुप डी एंड CBT-2 के लिए लाइव टेस्ट 17 नवंबर 7 बजे सुबह से 18 नवंबर 7 बजे शाम तक चलेगा, जिसको आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, लगाइए सर उसको, 17 नवंबर सुबह 7 बजे से 18 नवंबर शाम 7 बजे तक ये रहेगा, आप उसको लगाइएगा जरूर, ठीक है। तो आप कल आइएगा जरूर नए जोश नए एनर्जी नई ताकत के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें, और हमें अपने आप को मतलब आपके लिए मेहनत करने का एक मौका प्रदान करें, ठीक है। तो अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, तरक्की करो, आपका नाम रोशन करो, कल मिलते हैं सुबह 10:15 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।